सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज भाई GTA वालों ने कुछ गलती कर दिया, मतलब रॉकस्टार वालों ने कुछ गलती कर दिया है टाइमिंग में, शायद थोड़ा सा पहले रिलीज़ कर दिया है ट्रेलर। तो आज हम लोग फ्रेम बाय फ्रेम तो नहीं, लेकिन कुछ डिटेल्स जो मैं नोटिस कर पाया हूँ इस ट्रेलर के अंदर, उसको हम लोग आज चेकआउट करेंगे। और चालू करते हैं हम लोग अपने सबसे पहले, एकदम जो पहला फ्रेम मुझे मिला GTA के अंदर, एकदम पहला फ्रेम ये वाला। भाई इस फ्रेम के अंदर सबसे पहले कुछ चीज़ नोटिस होती है। सबसे पहले तो भाई एक प्लेन उड़ता हुआ कन्फर्म है कि भाई प्लेन तो उड़ेगा इस गेम में। भाई अब भाई गेम था तो आइडिया था हम लोग को इस गेम का कि प्लेन तो उड़ेगा। प्लस बोट टो हो रही है, इसका मतलब जो GTA 5 में बोट टो कर सकते थे वो वापस है इसमें, सॉरी हाँ। और फिर हाँ, हम लोग को कुछ एग्जांपल आपको मिल सकता है एक रिवर का, यानी बीच में कोई नदी उदी भी बहेगी। प्लस उसके ऊपर हम लोग को चिड़िया भी देख सकते हैं, हम लोग तो चिड़िया भी है इस गेम में। अब ये नहीं आइडिया है कि ये चिड़िया इंटरेक्टिवल है कि नहीं, मतलब इस पर गोली वोली मार के इसको नीचे गिरा सकते हैं कि नहीं, बट हाँ एटलीस्ट आसमान में देखोगे तो दिखेगी तो पक्का। दूसरा फोटो जो हम लोग देखेंगे वो है ये वाला प्रिजन वाला फ़ोटो। और ये प्रिजन वाले फ़ोटो से हमें दो चीज़ों का बहुत अच्छा आइडिया लगता है, जिन दो चीज़ों का आइडिया लग सकता है इससे, पहला तो है वो लाइटिंग। भाई वेरी फेबुलस लाइटिंग, भाई लाइटिंग देख सकते हो, भाई ग्रिल का शेडो कितना क्लियर है, प्लस कैरेक्टर डिज़ाइन कितना अच्छा, भाई मॉडल एकदम क्रिस्प है। अब हेयर देख सकते हो भाई, हेयर के एक फाइबर डिवाइडेड, कोई हेयर कनेक्टेड नहीं है, इट इज़ रियली वेरी ग्रेट कैरेक्टर डिज़ाइनिंग। तो यहाँ पर ये भी चीज़ की तारीफ़ करनी होगी। और जो हम लोग इसके बाद इमेज देख सकते हैं, यानी मतलब मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं भाई, तो ठीक है इमेज हम बोल रहे हैं वो ट्रेलर के अंदर की इमेजेस हैं। इसके अंदर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट तीन चीज़ें नोटिस कर सकते हैं। पहला तो भाई इस गेम में वाटर फिजिक्स आर गना बी ग्रेट। भाई देखो, पहले तो आप जो दो ऊपर नीचे वाटर के जो रिपल्स देख रहे हो, जो वाइट वाटर देख रहे हो भाई, वो तो दर्शाता है कि बोट से बने हुए। प्लस आप दो और देख सकते हो जो एकदम पीछे हैं, यानी वो इंजन के प्रोपेलर से जनरेटेड जो रिपल है उसको भी शो कर रहा है, विच इज़ अ ग्रेट डिटेलिंग। मतलब भाई इस गेम में डिटेलिंग होने वाली थी, हम लोग जानते ही थे, बट इस लेवल पे होने वाली थी ये भी जानते ही थे, ऐसा नहीं है, लेकिन बट इट लुक्स रियली ग्रेट। और भाई प्लस इसके ऊपर आप साइड पे ऊपर की तरफ थोड़ा देखोगे तो आपको पानी के अंदर ये शार्क है या डॉल्फिन, आई एम नॉट श्योर, बट शार्क हो सकते हैं क्योंकि वाई सिटी में शार्क ज़्यादा होते हैं, तो या प्रोबेबली दे आर शार्क या जो भी भाई, लेकिन मतलब फौना, फ्लोरा और फौना आपको वाटर के अंदर भी दिखेगा। प्लस आप वाटर बेड भी देख सकते हो, जो भी ये सी बॉडी है या जो भी है, इसका आप फ्लोर भी देख सकते हो एकदम अच्छे से, यानी दिस वाटर इज़ गोना बी ट्रांसपेरेंट, दिस लुक्स ग्रेट। ये इमेज बेस्ट इमेज है जो मैंने इतने देर में देखा है पूरे इस ट्रेलर में। ऐसे एक और है, बताएंगे बाद में उसका। Now let's talk about this image। भाई पैन करते करते इस बोट से इसी इमेज पे आया, तो ये फर्स्ट लुक है जो हम लोग देख सकते हैं वाई सिटी के स्काईलाइन का, विच इज़ रियली रियली गुड। आप भाई यहाँ पे बिल्डिंग की डिटेल देख सकते हो, एक एक विंडो प्रॉपरली 3D लगता है। प्लस आप बीच के ऊपर क्राउड देख सकते हो, यानी एक अच्छा PC तो पक्का चाहिए होगा भाई इस टाइप के गेम को रेंडर करने के लिए, बिकॉज देर इज़ वेरी मच क्राउड एंड ग्रेट डिटेलिंग इन बिल्डिंग्स। उसी के बाद आता हुआ ये बिल्डिंग का इमेज गाइज, देखो इससे बहुत सारी चीज़ें तो नहीं पता चलती, बट एटलीस्ट ये तो पता चलता है कि रोड के बीच में पेड़ रहेगा और ऊपर जाता हुआ आपको एरोप्लेन दिख सकता है, जो कि कन्फर्म करता है कि एरोप्लेन तो है इस गेम में, जो कि हम लोग को पता ही है ऑफकोर्स, लेकिन मतलब कन्फर्म जितना हो जाए भाई क्या पता ना। इसके बाद जो हम लोग इमेज देखते हैं ये है एक एवरग्लेड का इमेज, एंड वाई सिटी के अंदर एवरग्लेड्स बहुत है, एवरग्लेड वही सैम्पी स्वाम्पी जैसा एरिया आप कह सकते हो। एंड इसके अंदर हम लोग को एक वाटर बोट दिख सकता है जो विंड से चलता है, इस टाइप की बोट्स आपने बहुत देखी होंगी, मतलब ऑनलाइन तो देखे ही होगा आप लोग। अब इसका नाम क्या एग्जैक्टली हमको नहीं पता, बट दिस बोट इज़ इन द गेम विच श्योरली टेल्स कि शायद ये बोट ऑपरेटेबल हो हम लोग के द्वारा, और ये बायोम या ये जगह भी हो हम लोग के मैप में। इसके बाद वाला इमेज भी शायद स्वाम्प से ही है या उसी के आसपास या जंगल रीजन वाले एरिया से, या जंगल तो नहीं होगा इस गेम में, मतलब स्वाम्प के आसपास का एरिया, जिसके अंदर हमें ढेर सारे फ्लेमिंगो दिखते हैं, विच कन्फर्म्स कि इस गेम में फ्लेमिंगो तो पक्का होने वाला है। वही बात वापस आ जाती है कि हम लोग के मतलब इंटरेक्टेबल होगा कि नहीं, बट येस ऑफकोर्स होगा तो पक्का देखने के लिए सर एटलीस्ट।
इसके बाद वाला इमेज, ये बीच का इमेज हमें बहुत कुछ बताता है। जैसे पहले तो सबसे पहले ऊपर आप देख सकते हो कि चॉपर होने वाला गेम में। अब ये कौन सा चॉपर है नॉट वेरी क्लियर, बट जो भी होगा अच्छा ही होगा। एंड आफ्टर दैट आप देख सकते हो भाई बीच के ऊपर क्राउड बहुत है। इतना क्राउड रेंडर करने के लिए भाई पीसी की वाट लगने वाली है। प्लस 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 द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो हम देख सकते हैं, एक चिहुआवा डॉग भी है। और ये एनपीसी का मतलब ये जो एनपीसी है जो कुछ ज़्यादा ही जैक्ड है, मतलब कुछ ज़्यादा ही भाई इसके शरीर में जान है भाई, हाँ इसी का लग रहा है। तो यानी एनपीसीज के भी कुत्ते होने वाले हैं गेम में, विच इज़ गन बी गुड। भाई देखो ये तो मेरा प्रेडिक्शन है कह सकते हैं जो भी, वाई सिटी एयरपोर्ट होने वाला है गेम में। अगेन अ वेरी बिग क्वेश्चन, एक्सेसिबल होगा कि नहीं, बट होने तो वाला है 100%। ऊपर आप बोर्ड पे देख सकते हो साफ साफ लिखा। और प्लस स्टॉक यार्ड डाउनटाउन, शायद ये भी कोई जगह हो इस गेम में। वी आर नॉट श्योर कि ये किसी प्लेस का नाम है कि किस जगह के बारे में ये लोग बताना चाह रहे हैं, बट जो भी है एक प्लेस तो पक्का होने वाला है ऐसा। आफ्टर विच द मोस्ट अवेटेड इमेज, द इमेज ऑफ अ क्लब। तो हाँ इस गेम में क्लब होने वाला है। Who was not sure about this? सब लोग जानते थे होने वाला है। हाँ थोड़े से अभद्र है ये इमेज, बट इट इज स्टिल अ ग्रेट प्रूफ कि इस गेम में क्लब होने वाला। एंड दिस इमेज आई गेस, ये मेरा अजम्पशन है कि ये इमेज भी शायद क्लब का ही, बस दूसरे एंगल का हो। वैसे इन दोनों इमेजेस के, इन दोनों फ्रेम के आने में बहुत डिफरेंस है, बट आई गेस कि ये दोनों क्लब को ही दर्शाते हैं। इसके बाद वाला इमेज इज द बेस्ट, इज द ग्रेटेस्ट लुकिंग इमेज। जो मैं बोल रहा था ना कि एक और इससे बढ़िया है, वो यही है। सी दिस इमेज टेल्स अस मैनी थिंग्स। सबसे पहले तो भाई लाइटिंग कैसे काम करने वाली है भाई, रोड की लाइटें देखो भाई नीचे, इट लुक्स वेरी ग्रेट भाई। हमको अभी ये इतना अच्छा लग रहा है, इन गेम कितना अच्छा लगे पता नहीं, शायद हम कब खेलें इस गेम को, लेकिन जब भी हाँ तो दिस इज़ गन लुक वेरी गुड। और भाई न्यूयॉर्क, अरे न्यूयॉर्क बोल रहे हैं, अरे वाई सिटी स्काई लाइन भाई मस्त लग रहा है, मस्त एकदम मस्त। और भाई इसके बाद जो तुम लोग इमेज देखोगे, ये वाली इमेज भाई, इसमें हमको लैम्बोर्गिनी दिखा भाई, लैम्बोर्गिनी चलाए जाने हो, यानी लैम्बोर्गिनी भी होगा इस गेम में 110% डैम श्योर। इसके बाद वाला इमेज भाई देखो, ये इमेज अच्छा लगा, हम बस इसलिए दिखा रहे हैं। एंड दिस प्रूव समथिंग दैट, जैसे सबसे पहला तो भाई हम लोग को डोडो प्लेन दिख जाएगी, दूसरा तो भाई हम लोग को साइड में कार्गो शिप मूव करते हुए दिख रहा है। इससे पहले GTA 5 में मूव करते हुए तो नहीं दिखा था, बट यस मूव कर सकता है। अगेन अ वेरी बिग क्वेश्चन, एक्सेसिबल है कि नहीं है, लेकिन मूव तो करता हुआ दिखेगा। इसके बाद भाई ये थोड़ा हमको अच्छा लगा देख के, दिस गेम विल हैव इट्स ओन सोशल मीडिया टाइप। भाई ये सोशल मीडिया जैसा कुछ इन लोग का सिस्टम है इस गेम में भाई, उसके ऊपर भाई बहुत अच्छे अच्छे मतलब इन्होंने सीन दिखाए हैं। जैसे देखो भाई ये इंसान भाई एलिगेटर पकड़ता हुआ, ये सब वीडियोज़, और प्लस और भी बहुत सारे अजीबोगरीब वीडियो हैं इस गेम में। जैसे सी दी एलिगेटर, ये एलिगेटर एक स्टोर के अंदर घुस रहा है, दिस लुक्स ग्रेट भाई, लाइटिंग भी अच्छी है। अगेन अगेन अ इमेज विथ अ हेल ऑफ अ डिटेल्स। भाई पहली बात, सबसे पहली बात भाई, पानी और मड, ये जो चीज़ ये लोग दिखाए हैं, अगर ये गेम में ऐसा ही दिख रहा है तो बहुत अच्छा लगने वाला है। प्लस भाई इंसान को देखो भाई, ये जो लड़की बीच में खड़ी है भाई, इसका पैर देखो, मतलब इसके थाइस देखो भाई, शाइन दिख रहा है। यानी ये लोग वेट वेट शरीर, वेट बॉडी अब और अच्छे से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। एंड भाई शरीर पे पूरा मड लगा है, विच ऑल्सो लुक्स वेरी ग्रेट। तो मतलब भाई गेम अच्छा और इंटरेक्टेबल होने वाला है, वी आर रियली डैम श्योर अबाउट दिस नाउ। दिस इमेज क्लियरली रिप्रेजेंट्स कि भाई कैरेक्टर डिजाइनिंग बहुत अच्छा है भाई, फेशियल हेयर देख सकते हो भाई, हाथ के ऊपर भी हेयर दिख रहा है आपको, प्लस वॉच दिख रहा है, प्लस रेयर व्यू मिरर में भी व्यू दिख रहा है, यानी गेम में डिटेलिंग तो बहुत अच्छी है भाई। आई कांट शो द वीडियो, बट इस फ्रेम से हमें ये तो पता चलता है कि आई मूवमेंट इस गेम में बहुत अच्छा होने वाला है कैरेक्टर्स का। लूसिया का आई मूवमेंट इधर आप देख सकते हो, बहुत सुंदर है। आप यहाँ पे इसके चेस्ट पे आप बाल देख सकते हो, विच इज़ अगेन मतलब कैरेक्टर डिजाइनिंग बस ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा तारीफ हो गया। आफ्टर दिस यू कैन सी दिस इमेज, हम थोड़ा एक फ्रेम आगे ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। यस दिस इमेज टेल्स अ लॉट, नॉट अ लॉट बट अच्छा दिख रहा है, पोस्टर के लिए बड़ा अच्छा इमेज है, तो ये इसलिए लगा दिए। नहीं नहीं मजाक कर रहे हैं। दिस इमेज शोज कि हम लोग भाई शॉप लूट सकते हैं, जो कि हम लोग तो वो लीक गेम प्ले में भी देखे थे, बट श्योर कन्फर्मिटी यहाँ पे भी मिल गई थोड़ी सी ट्रेलर से। एंड यस थैंक्स अ लॉट गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। भाई गेम बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई सच में, अ वेल अवेटेड गेम। 2025 तक आई विल प्रोबेबली बी एबल टू प्ले दिस गेम, कुछ ना कुछ तो ऐसा ले ही लेंगे जिसमें GTA 6 चल जाए भाई। अब जो भी डिवाइस लेंगे भाई बोल के लेंगे GTA 6 चल जाए, चल सकता है इस पर, मतलब रिक्वायरमेंट्स का आइडिया तो है ही भाई बहुत ज़्यादा, जो भी हाइएस्ट मिल जाए वही काम आएगा। तो यस थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, बाय।